Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject maths chapter understanding shapes section A MCQs 5th. 5th MCQs hamare paas. In the adjoining figure, if the two marked angles form a linear pair, the greater angle measures. अब हमें यहाँ पे figure दी हुई है, इसमें दो angles given है जो कि linear pair बना रहे हैं. अब हमें बताना है इसमें greater angle कौन सा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे करेंगे, लेट्स सी. 2x minus 10 degree plus x by 2 is equal to 180 degree. क्यों? क्योंकि ये linear pair बना रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को प्लस कर देना है. ये जो माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा. यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम ले लिया हमने. 4x plus x is equal to 190 degree. 5x by 2 is equal to 190 degree. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x is equal to 190 multiply 2. ये जो 2 नीचे है वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 5 है यहाँ पे डिवाइड हो जाए. ठीक है, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो 5 इज 5, 5 3 इज 15, 5 8 इज 40. ठीक है, 38 मल्टीप्लाई 2 70 60. x की वैल्यू आ गई 76 डिग्री. अब हमें ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है. ये एंगल क्या आएगा, 2x माइनस 10 डिग्री मीन्स 2 मल्टीप्लाई 76 माइनस 10 डिग्री. तो 76 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 152 डिग्री माइनस 10 डिग्री. तो हमारे पास एक एंगल आ गया 142 डिग्री. ये आ गया 142 डिग्री. अब ये निकाल लेते हैं x बाय 2. x बाय 2 मीन्स 76 बाय 2 कितना आ गया, 38 डिग्री. अब इसमें ग्रेटर एंगल कौन सा है, 38 छोटा है 142 बड़ा है, तो ग्रेटर एंगल 142 है. तो कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा, ए. लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज. लेट्स स्टार्ट सिक्स्थ एमसीक्यूज. सिक्स्थ एमसीक्यूज हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, ये हमारा इसका वर्टेक्स हो गया बीच वाला. तो ये जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो वर्टेक्स के अपोजिट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आंसर आएगा, ए कॉमन वर्टेक्स. क्या है इसके अकॉर्डिंग, ए कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि टू कॉमन वर्टेक्स तो नहीं हो सकती. ठीक है, कॉमन आर्म भी नहीं हो सकती, इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉमन वर्टेक्स आ गया. अब इसके बाद देखो जो सेवंथ है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल मेजर्स. अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल. अब वो क्या पूछ रहे हैं कि एक एंगल के एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल है. तो देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया 90 डिग्री. इसका मतलब 45 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री. समझ आई, 45 का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी. लेट्स स्टार्ट नाउ द 8th एमसीक्यूज. लेट्स सी 8th एमसीक्यूज. 8th एमसीक्यूज है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज. अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस 180 डिग्री, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. तो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 डिग्री. क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री. अब वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, मतलब माइनस करेंगे. 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आंसर इज 90. तो ऑप्शन कौन सा आंसर है हमारा, ए. लेट्स सी नाउ द 9th एमसीक्यूज. लेट्स स्टार्ट 9th एमसीक्यूज. 9th एमसीक्यूज है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबी इज अ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस एल एंड एम. यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस है एल और एम, इनके ऊपर जो एबी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. देखो यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा और इधर भी 90 डिग्री है. ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो ए बी सी, इसको मैं यहां बना,
रेक्टेंगल बन गया हमारा, ये 90 डिग्री है, बी के ऊपर 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल ए और सी 90 से छोटे होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी तो 90 से छोटे हो गए ना, तो 90 के सामने वाली जो साइड है वो बड़ी होगी। इसका मतलब जो AC है वो बड़ी है, AC किससे बड़ी है, AB से भी बड़ी है, ठीक है, और AC जो है वो BC से भी बड़ी है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, या AB छोटी है AC से, एक ही बात है ना, AC बड़ी है AB से, या AB छोटी है AC से, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं चाहे मैं इसको लिख दूं ऐसे, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, इनके अकॉर्डिंग देखो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी, कि AB छोटी है AC से, AC बड़ी है AB से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया, अब AB और AC इक्वल नहीं हो सकते, AB और AD भी इक्वल नहीं हो सकते, तो AD छोटा कैसे हो सकता है AB से, AD छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये भी बड़ी होगी, तुम्हारा ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। लेट्स सी लास्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल टू BC, वो कह रहा है जो L लाइन है वो BC के पैरेलल, एंड AB एंड AC, AB और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर एंगल 2 और 3 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का 1/4 है, तो मैं क्या बताना है, देन द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी की मेजरमेंट हमें बतानी है। ध्यान से देखो वो क्या कर रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल, तुम क्या करेंगे, लेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एक्स, तो हमने इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है एंगल जो 1 है वो 1/4 ऑफ एंगल 2, एंगल 2 हमने क्या लेट किया x, तो एंगल 1 कितना हो गया 1/4x, कितना हो गया ये 1/4x, ठीक है, इतनी बात समझ आए। अब ध्यान से देखो ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर, ठीक है। तो एंगल 2 एक्स है, एंगल 4 1/4 एक्स है, और एंगल जो 3 है वो भी एक्स है, ठीक। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 4x प्लस 1x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया, 9 मुझे 18, 20 डिग्री, 20 डिग्री मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 80 डिग्री, इसका मतलब जो एंगल x है वो हमारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये देखो ये किसमें एंगल बन रहे हैं, कौन सी शेप बन रही है, ध्यान से देखो ये एंगल जेड की शेप में बन रहा है ऐसे करके, ये ऐसे, और जो जेड की शेप में एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 अगर हमारा 80 डिग्री है तो जो एंगल बी है वो भी कितना आ गया 80 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी 80 डिग्री, ठीक है। आंसर में ऑप्शन क्या है हमारा, ए। तो ये थे हमारे सेक्शन ए के एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।